Good morning students, welcome back to your math class. In last class we have started chapter number 7, coordinate geometry. Today we will continue the same chapter with exercise 7.2. In last class we have discussed about distance formula. The distance between any two points P x1, y1 and Q x2, y2 in the plane is given by PQ equal to under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Last class में हमने 7.1 exercise complete की थी which was based on distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम कार्टेशियन प्लेन में किन्ही भी दो पॉइंट जिनको हम P x1, y1 और Q x2, y2 से रिप्रेजेंट करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था विच इज PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. इन दिस एक्सरसाइज 7.2 we will first discuss about section formula. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है हम पहले यहाँ सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे. हियर यू कैन सी ए एंड बी आर टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड x2, y2 रिस्पेक्टिवली. इन बिटवीन देयर इज अ पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज x, y एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट पी डिवाइड दिस ए बी इज m1:m2. यहाँ आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं, आपको दो पॉइंट गिवन है, ए जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है. इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट से x, y और ये पॉइंट पी इस ए बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो हियर वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी. यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी x, y व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए x1, y1 एंड बी x2, y2 इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 आर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. सेक्शन फॉर्मूला ये होता है जबकि आपको ए बी इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट में बीच में कोई एक पॉइंट पी दिया है और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं जो कि पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से हम फाइंड करेंगे, m1:x2 प्लस m2:x1 अपॉन m1 प्लस m2. हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तब हम इन ए बी पॉइंट्स के भी x कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे. एंड व्हेन वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट p, वी विल टेक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ If the ratio in which P divides AB is k:1, then the coordinates of the point P will be kx2 plus x1 upon k plus 1, ky2 plus y1 upon k plus 1. यदि P point m1:m2 के रेशियो में न डिवाइड करते हुए k:1 के रेशियो में AB को डिवाइड करता है तो हम m1 और m2 की प्लेस पे k और 1 लिख सकते हैं. m1 की प्लेस पे k और m2 की प्लेस पे 1. तब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. नाउ द मिड पॉइंट फॉर्मूला. इफ द पॉइंट p इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यदि P लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, उसे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है,
than the coordinates of the midpoint P of the line segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2 is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. यदि P point AB line segment का midpoint है, तो वो उसे equally divide करता है, that is ratio जो है 1:1 है, और 1:1 होने के कारण हमारा जो initial formula है, इसमें हम M1 और M2 दोनों की place पे 1 put करेंगे, and when we put M1 equal to M2 equal to 1, we get the coordinates of midpoint P as x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Now let's start exercise 7.2. Question number 1 of this exercise is, find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. आपको यहाँ पे उसी point P के coordinates find करने हैं, जो कि A that is -1, 7 and B that is 4, -3 को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है. Let the coordinates of point C be x, y. यहाँ पे हमने इस पॉइंट को जो कि 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसे C से डिनोट करते हुए उसके कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लिया है. Now A is -1, 7, B is 4, -3 and this point C divides this line segment AB in the ratio 2:3. Now x coordinates of point C is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. यहाँ पे हमने m1, m2 की प्लेस पे m और n मान लिया, so mx2 plus nx1 upon m plus n, that is 2:4 plus 3:-1 upon 2:3, which is equal to 2:4 = 8 minus 3:1 = 3 upon 5. यहाँ आप देख सकते हैं 2:4 = 8 plus (-) is -, 3:1 = 3 upon 5. Now 8 - 3 = 5, so 5 by 5 = 1. Hence the x coordinate of point C is 1. Now y coordinate of C is equal to 2:-3 plus 3:7. Again same formula, my2 plus ny1 upon m plus n, which gives 2:-3 plus 3:7 upon 2:3. Now when we solve this, we get 2:-3, that is -6, plus 3:7 = 21 upon 5. Now 21 - 6 is 15, hence 15 upon 5 = 3. Hence the y coordinate of C is 3. Hence the coordinates of point C are 1, 3. Now question number 2 of this exercise is, find the coordinates of the point of trisection of the joining 4, -1 and -2, -3. आपको यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है, इन्हें आपको ट्राई सेक्शन में मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे इंटरनली, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी पॉइंट ए इज 4, -1 एंड पॉइंट बी इज -2, -3. यू हैव टू डिवाइड दिस line segment in 3 equal parts because you have to trisect this. So we will divide this in 3 equal parts by 2 points P and Q. हम 2 points P और Q से इसे 3 equal parts में divide कर सकते हैं. This is the first part, this is the second part and this is third part. So these are 3 equal parts. Now, when we find out the coordinates of point P, we can take
द रेशियो एज 1:2. जब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तब हम इस रेशियो को 1:2 का रेशियो सपोज कर सकते हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज 1 एंड दिस टू इक्वल पार्ट्स कैन बी कंसीडर एज 2. यहाँ पे AP और PB का जो रेशियो है वो कितना होगा, 1:2. हमने किसका रेशियो लिया है, AP और PB का, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. वी विल नॉट कंसिडर दिस Q पॉइंट. हम इस Q पॉइंट को कंसिडर ही ना करते हुए सपोज करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट P है जो कि इस AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. नाउ P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2. इन द सेम वे Q डिवाइड्स द AB इन द रेशियो 2:1. यदि हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस केस में हम इस P को हटा देंगे, हम इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक सिंगल कंसीडर करेंगे. सो द रेशियो ऑफ AQ:QB विल बी 2:1. जब हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तब हम इसे 1:2 का रेशियो लेंगे, और जब हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तब हम इसे पूरा सिंगल को 2 और इसको 1 कंसीडर करेंगे. सो द रेशियो विल बी 2:1. नाउ द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू 1:-2+2:4/(1+2) -2+8/3. 8-2 is 6, 6/3 that is 2. Y coordinate of point P is equal to 1:-3+2:-1/(1+2). Now 1:-3 is -3, +2:-1 is -2/(3), that is -5/3. Hence the coordinates of point P are 2, -5/3. Now x coordinate of point Q. To find the x coordinate, we will consider this ratio as 2:1. Now x coordinate, that is 2:-2+1:4. 2:-2+1:4/(2+1). Now 2:-2-4+1:4/(4). -4+4 will become 0, so it is equal to 0. Now y coordinate of point Q is equal to 2:-3+1:-1/(2+1). When we solve this, we get -6/(1/3), that is -7/3. Hence, the coordinate of point Q are Q, -0, -7/3. Now, next question of this exercise is find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. अब यहाँ पे एक डिफरेंट केस है. यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स ए बी इनकी वैल्यू गिवन है. आपको जो पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की भी वैल्यू गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A and B. आपको यहाँ पे वो रेशियो फाइंड करना है जिसके थ्रू ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. अब यहाँ रेशियो फाइंड करना है, गिवन रेशियो नहीं है, उस केस में हम रेशियो को K:1 कंसीडर करते हैं. When ratio is not given in the question, we will consider the ratio as K, 1. K:1. So the x coordinate here you can see A
equal to minus 3 comma 10, coordinates of B, 6 comma minus 8, and the point which divides this line segment, the coordinate of the point is minus 1 comma 6, and the ratio will be case to 1. So the x coordinate of this point will be k into 6, x coordinate that is minus 1. So minus 1 is equal to k into 6 plus 1 into minus 3 upon k plus 1. Now when we shift this k plus 1 to LHS, it will become minus k minus 1, because आप देख रहे हैं यहाँ पे k plus 1 divide में है, इस side जाके into में होगा. जब हम minus 1 से इसका into करेंगे, ये दोनों numbers minus में होंगे, so it will become minus k minus 1 equal to 6 k plus into minus minus 3 1 the 3, which is equal to, now shift this k to RHS and this constant to LHS. Hence we get 7k equal to 2. 6k plus k that is 7k, and minus 1 plus 3 equal to 2. So the value of k is 2 upon 7. Now y coordinate can be represent by m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2, which implies 6 is equal to k into minus 8 plus 1 into 10 upon k plus 1. Again, when we shift this to LHS, we get 6k plus 6. यहाँ भी 6 में k plus 1 का into होके क्या बनेगा? 6k plus 6. So 6k plus 6 is equal to minus 8k plus 10. When we solve this further, we get 6k plus 8k. We will shift this minus 8k to LHS and this plus 6 to RHS. Hence we get 14k equal to 4. Hence k equal to 4 by 14, which is equal to 2 by 7. Hence the value of k is 2 by 7. So k is to 1, that is k upon 1 equal to 2 by 7. Hence the required ratio is 2 is to 7. Now fifth question is, find the ratio in which line segment joining A 1 comma minus 5 and B minus 4 comma 5 by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट जो कि ए और बी से बना है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक्स एक्सिस के थ्रू. यहाँ पे आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, बिकॉज ये जो लाइन सेगमेंट इन्हें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो किससे डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस से. तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जिस पॉइंट पर वो उस एक्स एक्सिस से इन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें यहाँ फाइंड करना है. सो फर्स्ट अज्यूम द पॉइंट बी एक्स कॉमा जीरो. तो सबसे पहले जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि इन्हें डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x कॉमा जीरो अज्यूम करेंगे, बिकॉज द पॉइंट इज एट x एक्सिस. को x एक्सिस पे पॉइंट है और एट x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट इज जीरो. सो लेट p इक्वल टू x कॉमा जीरो बी द पॉइंट which divides the line segment joining 1 comma minus 5 and b minus 4 comma 5 in the ratio m is to 1. Here we can assume the ratio is m is to 1. Now again using section formula, first we can draw this diagram where a can be represented by 1 comma minus 5 and b can be represented by minus 4 comma 5. The point of division p equal to x comma 0 and the ratio
in which this divides the line segment if m is to 1. Now using section formula, x equal to x coordinate of this point is equal to m into minus 4 plus 1 into 1. M into minus 4 plus 1 into 1 upon m plus 1. And the y coordinate of this point, that is 0, equal to m into 5 plus 1 into minus 5 upon m plus 1. Now here you can see the y coordinate, that is 0, equal to m into 5 plus 1 into minus 5 upon m plus 1. When we compare these two, the y coordinate, that is 0, equal to this. So here we can easily find the value of m. यहाँ से हम m की value easily find कर सकते हैं. 0 में जब हम m plus 1 का into करेंगे, m plus 1 यहाँ division में है, इसे LHS में shift करके 0 से into करेंगे तो 0. So 0 equal to 5 into m, that is 5m plus into minus 5 equal to 0. So m equal to 1 because 5m equal to 5. So m equal to 1. Now m ki value aapke paas hai. So you can find the ratio, that is m is to 1 equal to 1 is to 1. Hence the required ratio is 1 is to 1. Now we can find the coordinates of the point of division. अब जब हमें ratio मिल गया है, तो इस ratio की value हम x coordinate में put करके, m की value हम इस x coordinate में put करके x की value find कर सकते हैं. Now x equal to, the value of m is 1, so minus 4 plus 1 upon 1 plus 1. Minus 4 plus 1, that is minus 3 upon 1 plus 1, that is 2. So the value of x is minus 3 upon 2. Hence the required point is minus 3 by 2 comma 0. Now sixth question of this exercise is, if 1 comma 2, 4 comma y, x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, जो कि एक वर्टाइस, एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, और एक के बाद एक आने वाले हैं, जैसे a is represented by 1,2, b can be represented by 4,y, c x, 6 and d equal to 3,5. These are the vertices of the parallelogram ABCD. Find the value of x and y. यहाँ आपको जो unknown numbers x और y है, इनकी values find करनी है. Now here we use the property of parallelogram, which is diagonals of parallelogram bisect each other. यहाँ पे जो diagonal है, वो एक दूसरे को bisect करते हैं, मतलब कि equally divide करते हैं. Parallelogram की इस property को हम यहाँ use करेंगे. Now here the diagonal BD bisect AC. Bisect मतलब equally divide करता है, that is AP equal to BC, that is P is the midpoint of AC. In the same way P is the midpoint of BD because diagonal AC divides BD in two equal parts or bisect each other. AC bhi BD ko equally divide karta hai, so P is the midpoint of BD. So the coordinates of P will be same for this diagonal or this diagonal. Jo P ke coordinate hai, wo to same rahenge. So midpoint of AC equal to midpoint of BD. Hence midpoint of AC, AC ka midpoint kya hoga? 1 plus x upon 2 and 6 plus 2 upon 2 equal to midpoint of BD. BD ka midpoint 4 plus 3 upon 2 and y plus 5 upon 2. So this x plus 1 upon 2 is equal to 7 upon 2. Midpoint of AC and midpoint of BD are equal. Therefore, the x coordinate here and the x coordinate of
point P will same. Hence, x plus 1 upon 2 equal to 7 by 2. In the same way, 6 plus 2 upon 2, that is y coordinate of this point, will be equal to y coordinate of the same point at P. That is 6 plus 2 upon 2 equal to y plus 5 upon 2. Now, this 2 can be cancelled. So, x plus 1 equal to 7. And hence, x equal to 7 minus 1 equal to 6. In the same way, this 2 can be cancelled. So, 6 plus 2 equal to 8 equal to y plus 5. And when we shift this 5 to LHS, it will become minus. Hence, y equal to 8 minus 5, that is 3. Hence, the value of x and y are 6 and 3 respectively. Next question of this exercise is, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, minus 3 and B is 1, 4. आपको point A के coordinates find करने हैं, जहां AB एक diameter है circle का, उस circle का center 2, minus 3 है और point B जो है, वो 1, 4 है. Here you can see this is a circle where the center C can be represented by the point 2, minus 3. Point A के coordinates हमें find करने हैं. ये it can be considered as x, y and the coordinates of this point B is 1, 4 and this AB is the diameter of the of this circle, so it will be passes through the center. ये center से pass हो रहा है, because ये diameter है. Now let the coordinates of the point A be x, y. Then as C, center C, 2, minus 3 is the midpoint of diameter AB. C center है और center है ये is AB का midpoint होगा. Hence the coordinate of C equal to x plus 1 upon 2 and y plus 4 upon 2, but the coordinates of C are given. यहाँ पे C के coordinates की value हमें given है, x coordinate की value 2 है, so x plus 1 upon 2 is equal to 2, implies x equal to 2, sorry x equal to 3. When we solve this, 2 2's are 4, 4 equal to x plus 1, and hence x equal to 4 minus 1, that is 3. And the y coordinate of point C is minus 3, which is equal to y plus 4 upon 2. 2 into minus 3 gives minus 6. So y equal to minus 6 minus 4, that is minus 10. Hence the coordinate of point A are 3, minus 10. Here, we have completed exercise 7.2. In next class, we will continue this chapter with exercise 7.3. Till then, take care. Thank you.